गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर अब आपकी नाइलिट में जॉब लग चुकी है, आपने कन्फर्मेशन मुझे बताया था, अब आप मुझे ये बताइए कि हमने जो ओ लेवल का एग्ज़ाम दिया है नाइलिट का, उसका रिजल्ट कब आएगा, बिल्कुल कन्फर्म बताइए, क्योंकि मैं आपके वीडियो का वेट कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से कमेंट भर भर के आ रहे थे, इंस्टाग्राम पर पूछ रहे थे ओ लेवल का रिजल्ट कब आएगा, कन्फर्मेशन बताइए। गाइज मेरी नाइलिट में जॉब तो लगी है, पहले ये कन्फर्म कर दूँ, पर अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। ठीक है, जब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा मैं दिल्ली के हेड सेंटर में बैठकर आपको न्यूज़ दिया करूँगा। ठीक है, सो अभी मैं आपको कन्फर्म न्यूज़ फिर भी देता हूँ और देता रहूँगा। ठीक है, अभी तक मैंने जो भी न्यूज़ आपको दी है आपको बिल्कुल कन्फर्म न्यूज़ दी है। सो आज मैं जो न्यूज़ देने वाला हूँ ओ लेवल का रिजल्ट कब आएगा वो बिल्कुल करेक्ट होगी। ओ लेवल का जो रिज़ल्ट है गाइस वो आएगा हमारा नवंबर के लास्ट वीक में, 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में। क्योंकि जो भी ओ लेवल का रिजल्ट है, क्योंकि मैंने बहुत से वीडियोस देखे जो बोल रहे थे अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, भाई ऐसा नहीं होता है। जब से मैंने ओ लेवल करना स्टार्ट किया है और जितनी नॉलेज मैंने गेन की है ओ लेवल से, तब तक का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि अभी तक एक महीने के बाद रिजल्ट नहीं आया ओ लेवल का। ओ लेवल का रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आता है गाइस, नवंबर के लास्ट वीक में आएगा। अगर कोई भी अपडेट आती और अगर मेरी ज्वाइनिंग हो जाती है नाइलिट के दिल्ली सेंटर में, जो कि इंद्रलोक में है, हेड सेंटर है जो कि ऑल ओवर इंडिया का, अगर वहाँ ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपके बल्ले बल्ले होने वाले हैं, क्योंकि आपको मैं बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा तब। लेकिन अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तब तक के लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप नोट डाउन करके लिख लो, नवंबर के लास्ट वीक में ओ लेवल का रिजल्ट आएगा। आप किसी पर विश्वास मत करो, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है कि एक महीने के बाद रिजल्ट नहीं आया ओ लेवल का। ओ लेवल का रिजल्ट आएगा तो दो महीने के बाद ही आएगा, तो आपके जो एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं उसके आप दो महीने जोड़ लो। उसके बाद जो 20 नवंबर से 30 नवंबर का मैंने टाइम दिया है, ये सारे अपलोडिंग टाइम होता है, इस टाइम पर अपलोड किया जाएगा, तो कुछ दिन लग जाते हैं अपलोड होने में ही, किसी का आ जाता है रिजल्ट, किसी का नहीं आता है। तो 20 से 30 नवंबर के बीच में सभी का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, सो मुझे ये आपके साथ शेयर करना था कि ओ लेवल का रिजल्ट कब आएगा। आई होप डैट कि अब आपको कन्फर्मेशन मिल गई होगी, और आपने अभी तक मेरे को सपोर्ट नहीं किया है तो मैंने एक नया चैनल बनाया है, अगर आप वहाँ पर यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ पर विजिट कीजिए, पूरा फुल यूट्यूब का कोर्स देखिए, घर बैठे पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कीजिए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर विजिट कीजिए और पहुंचिए मेरे नए चैनल पर टेक्निकल भारद्वाज जी। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा सकते हैं। अगर आपको ओ लेवल से रिलेटेड जॉब्स या न्यूज़ कोई भी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाना। घंटी के बेल आइकन को इसलिए बोल रहा हूँ, नाइलिट में अगर कोई वैकेंसी आती है ओ लेवल से रिलेटेड तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि नाइलिट का जो टाइमिंग होती है वो 10 से 15 दिन ही होती है। ठीक है, अगर आप उसमें फॉर्म फिल कर देते हैं तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं इंटरव्यू के, या जो भी उनका क्राइटेरिया होगा। सो घंटी के बेल आइकन को दबाना मत भूलना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।